नमस्कार, गुफ्तगू प्रोग्राम लेकर एक बार फिर हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम की मार्फत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियात के साथ जिन्होंने फ़न के किसी न किसी शोबे में एक ख़ास मकाम हासिल किया है, अपनी एक पहचान बनाई है। आज हमारे साथ गुफ्तगू प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं सौरभ जाडू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं, बल्कि एक ऐसी कम्युनिटी से संबंध रखते हैं जिनका अल्टीमेट एम जिंदगी का या डॉक्टर बनना होता है या इंजीनियर बनना होता है, और उसी सिलसिले में आपने इंजीनियरिंग भी की है। जी, गाने का शौक बीच में कैसे आ गया? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दरअसल ये शौक़, जैसे म्यूज़िक का तो शौक़ यूँ तो हर एक इंसान को होता ही है, हर एक को होता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही रहा। फ़र्क इतना रहा कि मैंने इसको परस्यू किया आगे, बाकी लोग शायद महदूद रह जाते हैं, किसी लिमिट तक रह जाते हैं, इसको परस्यू नहीं कर पाते हैं किसी वजहों से। तो 7th क्लास तक मैं सुनता रहा, घर में हमारा माहौल था क्लासिकल, सेमी क्लासिकल गाना बजाना चलता रहता था और सुना जाता था। 7th के मैं जब 7th क्लास तक मैं आया, उसके बाद मेरे एक रिलेटिव थे, उनके पास एक छोटा सा पियानो हुआ करता था, कीबोर्ड हुआ करता था, वो कैसियो टाइप। जी एग्जैक्टली, तो वो हुआ करता था। तो मैं अक्सर जब भी अपने मदर के साथ उनके पास जाता था तो मैं पहले वही बजाया करता था, वो नमस्ते वमस्ते बाद में होती थी, तो पहले वही सारा शुरू हो जाता था और वो मेरे लिए निकाल के भी रख देते थे अलग से। तो ये देखते हुए कुछ टाइम तक यूँ ही चलता रहा, तो देखते हुए मेरे फादर ने फिर एक इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए भी परचेज़ किया और वो लाया घर पे। तकरीबन 3 साल तक, जब तक उसकी चाबियाँ निकल गई, इंस्ट्रूमेंट की सारी बाहर आ गई, 10th क्लास तक वो मैंने बजाता रहा, जितना अपनी समझ से जो भी समझ आता था बजाता रहा। 10th क्लास के बाद जब मैं 11th में आया, तो उस वक्त से मैं ये कहूँगा कि शास्त्र की तालीम मेरी वहाँ से शुरू हुई। तो वहाँ पे मेरी शुरुआत, जो मेरे स्कूल के ही टीचर थे, जैसे कि हमारा कोई बैकग्राउंड तो रहा नहीं है म्यूज़िक का दूर दूर तक वो भी, तो वहाँ से इसलिए मेरी तालीम वहीं से, एक तरीके से शास्त्र ज्ञान आप कह सकते हैं, वो वहीं से स्कूल से ही शुरू हुआ। तो मेरे जो स्कूल के पहले म्यूज़िक टीचर थे, कहाँ पे स्कूल था ये? आनंद विहार, घर के पास ही, निशाल गार्डन के पास ही, तो घर के नज़दीक ही था स्कूल। तो वहाँ पे फिर मैं, मेरा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ने लगा, तो मैं फिर उनके पास गया, मैंने कहा कि मैं सीखना चाहता हूँ जी, और मैं थोड़ा बहुत गाता भी हूँ, तो मैंने गाना सुनाया उनको। तो उनको अच्छा लगा गाना, और एक छोटा बच्चा गज़ल गा रहा है तो उनको बड़ा पसंद आया मेहदी हसन की गज़ल, तो उन्होंने मेरे को सराहा, इस चीज़ को सराहा। उनका नाम मुनीश कठेरिया जी था, तो उन्होंने इस चीज़ को सराहा। तकरीबन 2 साल तक ऐसे ही मैं उनके साथ बैठ बैठ के सुनता रहा, सिर्फ सुनता रहा उनको, जो भी प्रोग्राम्स होते रहे सिर्फ सुनता रहा उस चीज़ को। तकरीबन 2 साल तक यही चलता रहा। उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन आई, ग्रेजुएशन में जब मैं पहुंचा, तो धीरे धीरे मैं कॉन्सर्ट्स अटेंड करने लगा, स्कूल के बाद कॉन्सर्ट्स अटेंड करने लगा, और तकरीबन साइड बाय साइड ये लर्निंग उन्हीं के साथ आगे कंटिन्यू हुई स्कूल के बाद भी। तो 4 साल तक उनके, 4-5 साल तक मैं उन्हीं के अंडर में गाइडेंस में ट्रेनिंग लेता रहा। उसके बाद मेरी 4 साल के बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, मेरे फादर ही मुझे लेके गए पंडित भजन सोपोरी जी के पास, जो कि मेरे गुरु हैं, तो उनके पास लेके गए मुझे। तो उनसे फिर दूसरी तालीम शुरू हुई, जो एक्चुअल और आगे की जो जर्नी थी वो आगे वहाँ से शुरू हुई मेरी, तो उनके अंडर फिर मैं सीख रहा था, तो ये मेरा सफ़र। अच्छा, आपकी पैदाइश लगभग उसी वक्त में हुई है, अगर मैं सही हूँ तो, जिस वक्त कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन हुआ? जी 1990। जी तो आपने वो माहौल देखा ही नहीं कश्मीर में, जो मौसीकी का माहौल था ये जो? नहीं, बिल्कुल भी, मैं कश्मीर के मौसीकी माहौल तो नहीं देख पाया, ना मौसीकी का माहौल देखा, ना मैं कश्मीर भी ठीक से देख पाया, क्योंकि वो ऐसा दौर था जो मैंने देखा सुना और पढ़ा,
वो ऐसा दौर था कि 90 में माइग्रेशन के बाद सारे जम्मू शिफ्ट हो गए, तो मेरा बर्थ प्लेस भी जम्मू ही रहा और जम्मू में ही सारा मतलब आधा बचपन मेरा जम्मू में ही गुजरा है। कश्मीर जाने की वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी कि वहाँ पर जा सकें, घूमने के लिए भी जा सकें हम वहाँ पे, तो काफ़ी टाइम तक यही चलता रहा और कश्मीर से मैं काफ़ी मतलब जा नहीं पाया वहाँ पे। कुछ साल पहले फिर मैं वहाँ पे विज़िट किया अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ गया था वहाँ पे, मगर वो दौर मौसीकी का मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाया वहाँ पे। अच्छा सौरभ, अब चाहते कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमारे आपकी आवाज़ को सुने और जितने ज़्यादा हम इस प्रोग्राम में समेट सकते हैं आपकी आवाज़ को उतना हम कोशिश करें उसको समेटने की, आप कुछ सुनाएं हमें शुरुआत। जी ज़रूर, मैं आपको सुनाऊंगा। मैं आपको अपनी कंपोजिशन से शुरुआत करूंगा, एक गज़ल मैं अपनी कंपोजिशन में सुनाऊंगा। इरशाद। असर उसको जरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, असर उसको, असर उसको, उसको असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो गायकी है उसपे आपने ठुमरी और दादरांग में भी तालीम ली है। जी जी। और गजल भी आप गाते हैं, कश्मीरी भी आप गाते हैं, आपका मन पसंद क्या है, सबसे ज़्यादा आपको अच्छा क्या लगता है? मैं दरअसल मेरे को जो पर्सनली ज़ाती तौर पे मैं गज़ल पसंद है मुझे, और ठुमरी दादरा मैं सेमी क्लासिकल, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं सेमी क्लासिकल की पूरी शैली समझूँ, इसीलिए मैंने ठुमरी दादरा भी शुरुआत करा सीखना, वो मैंने प्रोफेसर देव जानी धर हैं उनसे सीखना शुरू किया उस चीज़ के लिए। तो ठुमरी दादरा का मेरा रुझान था ही, वो उनसे फिर सीखना, तालीम उनसे भी ठुमरी दादरा की तालीम ली मैंने। एक ठुमरी हम आपसे सुन सकते हैं? जी ज़रूर ज़रूर। मैं आपको एक राग भैरवी में, एक छोटी सी मिश्र भैरवी में एक छोटी सी ठुमरी सुनाता हूँ उसकी। भैरवी वैसे क्लासिकी संगीत में कहते हैं कि भैरवी उस वक्त गाते हैं जब, अगर किसी सिंगर को आप शुरुआत में कह दें कि आप जरा भैरवी सुनाए तो वो सोचता है भाई अब खत्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं गा सकते। जी जी, ऐसे फिर ये तो एक बात है, मगर दरअसल कुछ राग चुनिंदा राग हैं जिनमें ठुमरी दादरा हर एक राग में नहीं गाया जाता, तो कुछ चुनिंदा राग हैं इसलिए भैरवी में। नहीं नहीं, मैं वैसे मजाक कर रहा जोरी मोसे
काहे करत काहे मुसे काहे करत जोरा जोरी जोरा जोरी नंद के लाल ने रंग डारो है नंद के लाल ने नंद के लाल ने नंद के लाल ने रंग डारो है बीत गई मुरी चुनरी मुसे काहे करत जोरा जोरी। तो एक छोटा सा जल्दी जल्दी में। वाह 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 वाह। सौरभ अभी आप यहाँ जम्मू एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए थे जो स्वर्गीय विजय मल्ला जी के ऑनर में यहाँ पे उनकी बरसी के दिन यहाँ पे मुनक्कद किया गया था जी। उनकी गायकी के बारे में आप कुछ कहेंगे? जी ज़रूर, मैं आपको बताना चाहूँगा वो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के ही नहीं बल्कि पूरे एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ही वर्सेटाइल आर्टिस्ट थे जिनकी गायकी में हर तरीके की गायकी वो उतनी आसानी से उतनी बारीकी से पेश करते थे जितना गज़ल हो या गीत हो या भजन हो, मतलब किसी भी शैली का गाना हो वो उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करते थे। मैं चाहता हूँ कि उनका गाया हुआ कोई गीत आप यहाँ पे हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी ज़रूर, मैं आपको सुनाऊंगा। एक गीत था वो कलाम रहमान रही, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वो एक उनका एल्बम था, उनका बड़ा मशहूर गाना है उफ्ती कर रखना। जिंद रोजन बापथ छी मरान लुख मरखना लतपठ चखा प्याल क्यों हो उफ तिकर रखना जिंद रोजन बापथ छी मरान लुख न छुदार अलान पर्द न छुब्रांद दजान सोंग न छुदार अलान पर्द न छु ब्रांद दजान सोंग बावस छुदपान का समोलू करखना लतपठ चखा प्याल क्यों हो उफ तिकरखना जिंद रोजन बापथ छी मरान लुक। वाह 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 वाह, याद ताजा करा दी आपने विजय मल्ला साहब की। सौरभ ये तो हो गया जो आप गायकी में करते हैं, आप संगीतकार भी हैं जी। और आप संगीत भी देते हैं, आपने फिल्म में भी संगीत दिया जी, है जी। आपने बहुत सारी एल्बम्स तैयार की है जिसमें जी, आपने कंपोजिशंस अपनी तैयार की है जी। वो शौक आपको कैसे हुआ? गायकी तो एक अलग चीज है और संगीत जी जी, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा इस बात के लिए। वो शौक मेरा इस तरह हुआ कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिक्र किया अभी, कि 4-5 साल तक मैं पहले उनसे सीखता रहा जो मेरे स्कूल के टीचर थे। उसके बाद मेरी जो तालीम शुरू हुई वो पंडित भजन सोपोरी जी के अंडर शुरू हुई, तो उनके साथ तो गाना गायकी सीखी, साथ में वो मुझे कंपोजिशंस का भी ज्ञान कराते रहे, बताते रहे कंपोजिशंस के बारे में। उनके साथ मैंने कई कुछ एल्बम्स में भी मतलब साथ में असिस्ट किया था उनको मैंने, तो मैंने उनसे काफ़ी कुछ उसके माध्यम से भी सीखा और उन्होंने मुझे वैसे भी साथ बिठा के बहुत कुछ कंपोजिशंस के बारे में जो जितना मैं सीख पाया हूँ उनसे, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मतलब ये कंपोजिशन का जो दौर जो और ये सिलसिला शुरू हुआ, एक कंपोजर की जो सोच
شروع ہوئی مطلب بنانا میوزک کریٹ کرنا, تو وہ انہیں کی وجہ سے میں کہوں گا کہ شروعات. بہت سارے البمز آپ نے تیار کیے ہیں. جی 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 جی. آج کل میں نے سنا آپ ایک وہ مہابھارت کو, جی جی, دراصل بھگوت گیتا کو پورا آپ, جی جی, 18 ادھیائے اس کے ہیں. تو بھگوت گیتا کا دراصل وہ ایک کچھ لوگ تھے, وہ تو ان کو میوزک بنانا اسٹوڈیو ریکوائرمنٹ تھا, تو انہوں نے میرے کو کال کیا تھا, انہوں نے بات کری تھی ہم سے. تو یہ شروعات انہوں نے بتایا کہ ہم وہ ایک پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں بھگوت گیتا کے اوپر. تو انہوں نے جب کچھ کمپوزیشن سنے اور ان وہ اسٹوڈیو آئے تو وزٹ کیا انہوں نے, سارا دیکھا وہاں پہ ماحول, تو ان کو محسوس ہوئی یہ بات کہ یہاں پر ہی شروعات کی جائے اس کی. اور انہوں نے پھر کافی چیزیں, میں نے ان کو مطلب سجیسٹ بھی کری کہ اس میں ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ اچھا بن سکتا ہے ایک پروڈکٹ. تو وہاں سے وہ شروعات ہوا, اور اس کے ہم نے 18 ادھیائے ہیں بھاگوت گیتا کے اندر, اور ایک ایک ادھیائے کے اندر کم از کم 30 سے 40 شلوک ہیں. تو اس کا میوزک پراپر پورا, ہر ادھیائے کا میوزک الگ اس میں رکھا ہوا ہے ہم نے. تو وہ چل رہا ہے ابھی پروجیکٹ, اور بہت جلدی ود ان منتھ اور ٹو منتھس وہ ریلیز بھی ہو جائے گا. تو یہ بھگوت گیتا کا ہے. اچھا, جو آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھی تھی وہ آپ کے کہیں کام آ رہی ہے؟ جی, میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. یہ جو میں, یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ ویسٹ ہوا, یہ تو میں بالکل بھی نہیں کہوں گا, کیونکہ ایک جو آؤٹ لک ہوتا ہے, ایک مطلب چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے, وہ اس سے میرا بہت چینج ہو گیا. ایک ٹیکنیکل جو میرا, جو کہ میرے ٹیکنیکلی جو ایک ساؤنڈ نالج, ٹیکنیکلی ساؤنڈ نالج جو ہے وہ میرے جو ریکارڈنگ اسٹوڈیو, 4 سال اب ریکارڈنگ اسٹوڈیو کو میرے ہو گئے ہیں. 2013 میں ہم نے, 2013 میں ہی انجینئرنگ کمپلیٹ کی مئی میں, اور ود ان 3-4 منتھس ہی وہ اسٹوڈیو اسٹیبلش کیا ہم نے. اور اب 2013 سے لے کر ابھی تک 4 سال ہو گئے ہیں اسٹوڈیو کو. تو وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ نالج جو اس فیلڈ سے تھی, وہ ایکسپیرئنس میرا کافی حد تک اسٹوڈیو کے ریکارڈنگس میں میرا کافی کام آیا. تو وہ ڈگری میں پروفیشنلی تو نہیں کہوں گا, مگر ہاں ایک آؤٹ لک میرا ضرور اس سے چینج ہوا, جو کہ مجھے ہیلپ کیا آگے اور چیزوں میں. ایک غزل اور سنا سکتے ہیں آپ ہمیں؟ جی ضرور. آپ کون سی غزل سننا چاہیں گے؟ ابھی آپ پہ گنگنا رہے تھے یہاں آنے سے پہلے. لوگ کہتے ہیں اجنبی تم ہو, لوگ کہتے ہیں اجنبی تم ہو, اجنبی میری زندگی تم ہو, لوگ کہتے ہیں اجنبی تم ہو, دل کسی اور کا نہ ہو پایا, دل کسی اور کا نہ ہو پایا, آرزو میری آج بھی تم ہو. کیا بات. اجنبی میری زندگی تم ہو, لوگ کہتے ہیں اجنبی تم ہو. واہ 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 واہ. سوربھ, آپ کو منسٹری آف کلچر سے ایک اسکالرشپ بھی ملا ہے سنگیت کو پرسو کرنے کے لیے, وہ کیا پروجیکٹ تھا, کس کے لیے آپ نے دی؟ جی دراصل میں یہاں پہ ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ کچھ ٹائم میں سنتور بھی پلے کیا, مطلب کیونکہ میں ان سے سیکھتا تھا. اچھا, سنتور بجاتے تھے آپ؟ جی 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 جی. تو جو اسکالرشپ میرے کو منسٹری آف کلچر کا تھا, وہ سنتور میں بھی, سنتور میں ہی ملا تھا بیسکلی. تو وہ میں نے, میرا شوق تھا سیکھنے کا, تو وہ میں نے سیکھا, کافی ٹائم تک میں نے پرسیو بھی کرا, مگر کسی وجہ سے میں آگے چھوڑ دیا, میں نے نہیں پرسیو کرا آگے, میں گائکی پہ ہی زیادہ فوکس کیا آگے.
تو منسٹری آف کلچر کا اسکالرشپ میرے کو 2014 میں ملا تھا جی. پروگرام کا وقت ہمارا محدود ہے, ہمارا اتنا مزہ آ رہا ہے بات کرنے کا اور آپ سے آپ کی غزلیں آپ کے گیت سننے کا کہ, مگر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں اس پروگرام کا خاتمہ ہم آپ کے آواز میں کسی اچھی ضرور ضرور غزل سے کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. میں یہ غزل آپ کو اور سنانا چاہوں گا. یہ غزل میری 2014 میں 2014 میں ایک البم ریلیز ہوا تھا آپ کا انتظار, تو میں اسی کا ایک آپ کو وہ ٹائٹل ٹریک ہی سنانا چاہوں گا. آپ کا انتظار رہتا ہے, آپ کا انتظار رہتا ہے, دل بہت بے قرار رہتا ہے, آپ کا انتظار رہتا ہے, لوٹ لے اس کو بھی کوئی آ کر, لوٹ لے اس کو بھی کوئی آ کر, دل میں جو ہر دم سوار رہتا ہے, دل بہت بے قرار رہتا ہے, آپ کا انتظار رہتا ہے. واہ 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 سورب, آپ سے بات چیت کر کے بہت مزہ آیا. مجھے یقین ہے جو درشک اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی آپ کی آواز سن کر بہت مزہ آئے گا. ہم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اور ہم اپنی طرف سے اور اپنے درشکوں کی طرف سے آپ کو ڈھیروں شبھ کامنائیں دیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ بہت ترقی کرو, ہندوستان کے بہترین گائکوں میں آپ کا نام ہو, پورے برِ صغیر میں آپ کے نام کا ڈنکا بجے اور ساری دنیا آپ کی آواز کو سنے. آپ کا بہت شکریہ, اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ گفتگو کاریکرم یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے نمسکار.